यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से दो तीन चार पौधे हम बताएं, तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। पीपल को वैसे संतति के लिए भी ऐसा माना गया है, तो आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए ये भी आपको पीपल सहयोग कर सकता है। इसमें आपने देखा होगा इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक स्त्री प्रजाति होता है पीपल का, एक पुरुष होता है। तो हर वृक्ष में ऐसी प्रजातियां होती हैं प्रायः। तो इसमें जो पीपल में जो पुरुष प्रजाति का पीपल होता है, जब थोड़ा पुराना पेड़ हो जाता है उसमें दाढ़ी आने लगती है। बट वृक्ष में तो आपने देखा होगा ऊपर से उसकी जटाएं लटकती हैं, पीपल में भी वो इतनी लंबी लटकती नहीं है। परंतु जब पीपल का पेड़ पुराना हो जाता है, हर पुराने पीपल पे नहीं, उसमें से जो पुरुष पीपल होता है उसमें जटाएं निकलती हैं ऊपर, वो थोड़ी थोड़ी लटकती हैं और काफी उसमें ढेर सारा पतली पतली सी टहनियां सी उसमें निकलने शुरू हो जाती हैं। उसको हम पीपल की दाढ़ी बोलते हैं। तो पीपल की दाढ़ी जो है उसको जो है संतति कारक माना गया है। जिनका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट नील होने के बाद में शून्य स्पर्म काउंट वाले को तो बहुत कम लाभ हुआ है, मैं निश्चित रूप से वह अभी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ रोगियों को लाभ हुआ है, प्राणायाम करने से ज्यादा लाभ होता है। प्राणायाम आप करते रहें, यदि स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम है तो उन लोगों के लिए यह रामबाण है। इसके पीपल के जो फल आते हैं उन फलों को सुखा करके पाउडर करके ले लें। जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, मेरी माताएं बहनें भाई कमजोर हैं, तो चाहे आबाल हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, किसी को भी इसके फलों के पाउडर में आप मिश्री मिला करके, जैसे आप लगभग जितना फल हो उतना ही मिश्री मिला दें, एक एक चम्मच सुबह शाम दे दें। यह बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही ताकत को देने वाला है, बहुत ही शारीरिक क्षमता को बढ़ाने वाला है। इसकी पत्तियां भी बहुत कोमल हैं, इसकी जो है ये जो टहनिया में बहुत कमल है। आपने सुना होगा चाइना के लोग हर चीज की चाय बना करके पीते हैं, चाइना टी, चाइनीज जो टी है, चाइनीज टी की जगह आप भारतीय टी का और हमारे देसी चाय का प्रयोग करें। जो काली चाय जो आप पीते रहते हो आपकी लीवर और आपके सिस्टम को खराब करती है, पर वह सिस्टम को ठीक करे, खराब ना करे, उसके लिए इन पीपल की जो थोड़ी सी पक्को जो पत्तियां हैं, थोड़ी सी मजबूत अच्छी जो पत्ती तैयार हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह की पत्तियां जो परिपक्व स्थिति में हैं, इनको कूट करके इनको रख लें और इनको उबाल करके काढ़ा बना करके देखो कितनी स्वादिष्ट चाय आपको मिलेगी।